Assalamualaikum everyone, this is Ali from Masik और आज हम करने जा रहे हैं भाई Poco X3 का गेमिंग रिव्यू और देखते हैं कि भाई कितना ऑप्टिमाइज़ किया गया है, क्या ये फ़ोन हीट होता है कि नहीं होता और क्या ये फ़ोन जो है वो बैटरी ड्रेन करता है कि नहीं करता। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ भाई डिस्प्ले की। अब यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है डिस्प्ले में, 6.67 इंच का IPS पैनल है और 1080p का रेजोल्यूशन, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन को रखा गया है, स्मूथ एक्सपीरियंस है। और साथ के साथ अगर बात कर ली जाए कुछ परफॉर्मेंस की, अब इस फ़ोन के अंदर हमें एक पहला प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल रहा है जो कि डेब्यू कर रहा है इस फ़ोन के साथ, जहां हमें एड्रीनो 618 का GPU मिल रहा है, 285,565 के ये बेंचमार्क स्कोर करता है फ़ोन, 6GB 128GB वाला वेरियंट है, 5160mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग रखी गई है। ब्राइटनेस लेवल अभी मैं इसको 50% कर दूंगा, लेकिन जब मैं गेम प्ले करूंगा तो कैमरे का जो ISO है वो कम करूंगा ताकि आप लोगों को जो ब्राइटनेस लेवल है उसके बारे में बता सकूं, ब्राइटनेस लेवल जो मैं बढ़ा दूंगा। और वहीं बात कर लेते हैं कुछ वाईफाई की, तो वाईफाई अटैच है और बाकी एप्लीकेशंस को मैं क्लोज कर चुका हूं। और यहां भी जो एप्लीकेशन है रैम में वो भी कोई नहीं है। और बैटरी जो है जब हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं तब मेरे पास 87% है। और फ़ोन की बिल्ड की बात की जाए तो रियर पर भाई पॉलीकार्बोनेट है, समझे ज़रूर आते हैं, उसके लिए सिलिकॉन आप यूज़ कर सकते हैं, खैर वो बाद में हम बात करेंगे। कैमरा बम के ऊपर ग्लास रखा गया है तो टेम्परेचर भी हम मेजर करेंगे, एल्युमिनियम फ्रेम रखा गया है, फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई हम पबजी लोडिंग टाइम देखते हैं कि कितना है इस फ़ोन का और देखते हैं कि भाई ये कितनी देर में लोड करता है। तो यहाँ पबजी लोडिंग टाइम जो है ना वो मेरी वॉच पर स्टार्ट हो चुका है और लेट्स सी कि ये पबजी में कितना टाइम लेता है लोडिंग करने में। उसके बाद बात करते हैं कुछ ग्राफिक्स की। ओके जी, पबजी जो है लोड हो चुकी है और ये तकरीबन 26 सेकंड में लोड हुई है पबजी पूरी की पूरी। अगर आपने रीस्टार्ट करनी हो तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर भी मेजर कर लेता हूँ। तो रूम टेम्परेचर इस टाइम मेरे पास 24 के राउंड अबाउट है। फ़ोन के फ्रंट पर जो टेम्परेचर है वो 31 का है और फ्रंट पर बॉटम वाली साइड पर 30.5 डिग्री सेल्सियस का है। बैक की बात की जाए तो भाई कैमरा बम जो है वो 32.5 है और यहाँ बैक पर आपको 31.8 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है और बॉटम की साइड पर आपको 30 डिग्री का टेम्परेचर मिल रहा है। लिक्विड कूलिंग वर्जन 1.0+ हमें देखने को मिलता है, देखते हैं कि भाई कितना काम कितना नहीं। और वहीं हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राफिक्स की। यहाँ मैक्सिमम जो पबजी के लिए ग्राफिक्स है ना भाई वो आपको बैलेंस के साथ अल्ट्रा मिलते हैं या स्मूथ के साथ अल्ट्रा मिल जाते हैं, हाई के साथ HD भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली खेलता हूँ अल्ट्रा फ्रेम रेट पर। 40 FPS का गेम प्ले मिलेगा, वो भी हम चेक करते हैं कितना वेरी करता है कितना नहीं। और जायरो को भी हम चेक करेंगे और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं जायरो का प्लेयर बन सकूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त कहते हैं कहली भाई आप जायरो जो है वो नहीं खेलते, तो यहाँ जायरो जो है वो ऑन कर चुका हूँ। और साथ के साथ कुछ गेम बूस्टर की बात कर लीजिए। अब यहाँ बाहर वाली साइड पर आपको राउंड अबाउट 40 FPS के गेम प्ले जो है वो मिल रहा है। और गेम बूस्टर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हम गेम बूस्टर में जाके एक चीज़ को मेंशन कर देता हूँ, जो नॉर्मली शाओमी के फ़ोन हैं यहाँ पर गेम बूस्टर में आप कोई भी जो गेम खेलते हैं उस पर आप सेंसिटिविटी टू रिपीटेड टैप को भी चेक सेट कर सकते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को भी सेट कर सकते हैं और टच रिस्पॉन्स को भी सेट कर सकते हैं। मैं टच रिस्पॉन्स जो है वो फुल कर चुका हूँ और सेंसिटिविटी को फुल कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं गेम की तरफ और चेक करते हैं कि भाई हमारा गेम प्ले कैसा है। और आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी करके दिखाऊंगा जो कि गेम प्ले को रिकॉर्ड करती हैं। तो क्या करता हूं कि भाई यहां पर ISO लेवल थोड़ा सा कम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ब्राइटनेस ज़्यादा ना मिले गेम प्ले करते हुए। और ब्राइटनेस जो है वो मैं ले आया हूं तकरीबन 70% तक। और स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं तो स्टीरियो स्पीकर को भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अरेना मोड लगाते हैं और उस पर देखते हैं कि हमारा जायरो कैसा चलता है और जायरो की कनेक्टिविटी कैसी है तो कैसी नहीं। और अरेना मोड जो है वो कंटिन्यू कर लिया और गेमिंग को भी हम यहाँ स्टॉपवॉच को भी चालू कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि हमने कितनी देर गेमिंग की है कितनी देर नहीं। ओके जी, यहाँ पर जो जायरो है वो काफ़ी प्रॉपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो दोस्त कहते हैं ना कि भाई डिले आ रहा था आपने बताया नहीं है, तो यार आप भी स्क्रीन पर जज कर सकते हो। एक्चुअली मैं गेम प्ले कर रहा था और इस टाइम जो हमें स्पीकर की क्वालिटी की बात करूँ तो यार वो मैं पहले भी अपने रिव्यू में बता चुका हूँ, मुझे इस फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगती है, जहाँ पर आपको साउंड जो है ना वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। जायरो की कनेक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं, जायरो की फायर कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर है। और वैसे सच बताऊं तो भाई मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन इस फ़ोन में सिम डालने के बाद ना भाई कोशिश यही है कि जायरो जो है उस पर गेम प्ले सीधा किया जाए।
यहाँ कुछ ऐसा गेम प्ले है, जारो की कनेक्टिविटी आप चेक कर पा रहे होंगे, मैं अभी स्कोप को ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको। फायर बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, डैमेज जा रहा है उसको। तो यहाँ आप चेक कर पा रहे होंगे भाई, तो ये आपने चेक किया कि मैंने फायर पूरा का पूरा कनेक्ट किया भाई, फ्री फायर दिया था। यहाँ जायरो पे फिलहाल मुझे तो कोई डिले नजर नहीं आ रहा, पोको X3 में आप बेहतर जज कर पा रहे होंगे। और ये हमने एक आउट कर दिया, लेकिन हमें थर्ड पार्टी फायर हो गया। देखते हैं कि भाई हम कैसा गेम प्ले करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि भाई जायरो कैसा चल रहा है। तो ये जायरो का गेम प्ले है, और स्पीकर क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई पोको X3 की। आपको थोड़ा थोड़ा वाइब्रेटर रियर साइड से जो है ना वो फील होता है, तो ये भी मैं एक अच्छी चीज़ बोलूँगा भाई पोको X3 को लेके। और कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं भाई, कोशिश तो है अच्छे प्लेयर बन जाए। तो फाइनली भाई हमने 21 किल किए, जायरो की प्रॉपर वर्किंग आपको पोको X3 में देखने को मिलती है, और गेम प्ले भी काफ़ी इंटेंस था भाई। साथ मेरे नुबड़े थे, मैं खुद बहुत बड़ा नुबड़ा हूँ। खैर फाइनली हमने यहाँ पर गेम प्ले किया है एक TDM का जायरो के साथ, तो नो डाउट जायरो की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर है, और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे प्लेयर बनने की। अब हम क्या करते हैं कि जायरो को भाई ऑफ करते हैं, और एक गेम प्ले हम TDM का एज यूजली जैसा कि हम पहले खेलते आते हैं, तो हम उसको चेक करेंगे कि हम उसमें गेम प्ले कैसा करते हैं। ओके जी दोस्तों, अब विदाउट जायरो है, अब यहाँ आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप और शटर नहीं मिल रहा, और यहाँ आपको कलर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा, डायनेमिक रेंज भी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी है कैसी नहीं। यहाँ फ्री फायर से हम फिर भी लेके भाई, ओके जी हमने 2 TDM खेले, और एक हमने जायरो के साथ खेला, काफ़ी अच्छा गेम प्ले था। दूसरा गेम प्ले भी काफ़ी बेटर था, कोई भी स्टटर कोई भी लैग नहीं। अगर आप इंटेंस गेम करते हो तो मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि भाई विदाउट एंड फ्री ना आपको यहाँ भी हल्का हल्का फुटस्टेप्स जो है वो सुनने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर सा आपको प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस। अब हम क्या करते हैं कि रेंगल खेलेंगे, और सेम ग्राफिक्स पर मैं इसको रखूंगा, और हैंडफ्री को लगा के चेक करेंगे, और हैंडफ्री का आउटपुट और साथ साथ कुछ गेम रिकॉर्ड भी करते हैं, और गेम रिकॉर्ड मैंने पहले TDM की हुई है, मैं वो भी आपको चेक कराता हूँ। गेम में आप अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं इसके माइक को यूज़ करते हैं, तब आपको गेम का साउंड नहीं रिकॉर्ड होगा, आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आपके जो जो प्लेयर्स हैं स्क्वाड के उनके भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको कर लेता हूँ रेंगल मैप पे। ओके जी दोस्तों, हम चल रहे हैं रेंगल मैप की तरफ, और स्क्वाड हमने पूरा कर लिया, और तकरीबन हमने इस टाइम तक 17 से 18 मिनट जो है वो गेमिंग कर ली है। और अब हम रेंगल मैप में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, और देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमें गेम प्ले कैसा मिलता है। तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ये गेम देख ले होंगे, और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ग्लिच मिलता है क्या नहीं। और रेंगल मैप थोड़ा सा मैं खेलूँगा विदाउट जायरो, क्योंकि मैं उसका थोड़ा सा प्लेयर हूँ, और उसके बाद मैं जायरो ऑन कर दूँगा, तो यहाँ आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और माइक मेरा ऑन है, मे बी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जो है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, मैं मेंशन कर दूंगा टेक्स्ट के साथ जैसे कि पिछले रिव्यू में किया था। और साथ के साथ अगर नहीं चल रहा होगा तो ये जो माइक है ये थर्ड पार्टी माइक है, इस टाइम मेरे कैमरे का यूज़ हो रहा है, तो आपको उससे आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ अगर बात कर ली जाए कोई भी स्टटर और कोई लैग अभी फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा, जंप करके देखेंगे कि भाई हमें कैसा मिलता है कैसा नहीं, तो वेट एंड सी कैसा है कैसा नहीं गेम प्ले। और फ़ोन के टेम्परेचर की अगर बात कर लूँ तो रूम का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास 25 हो चुका है फ्रंट साइड पर, फ़ोन जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस इस साइड पर है, इस साइड पर 40 डिग्री सेल्सियस है। काफ़ी इंटेंस गेम रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे
फिंगर्स चलानी पड़ी और रियर साइड पर स्मजे जरूर पड़ रहे हैं। रियर साइड पर टेम्परेचर आपको 39 का देखने को मिल रहा है, लिक्विड कूलिंग जो है वो प्रॉपर काम करती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में देखते हैं कि बाकी टेम्परेचर क्या है। तो फिलहाल हम चलते हैं डाइव की तरफ और देखते हैं कि कहाँ डाइव करते हैं। और यहाँ अगर प्लेन के कलर्स की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि कोई लैग नहीं मिल रहा फिलहाल, लेकिन ये इनिशियल रिव्यू भी आप कह सकते हैं। कुछ अर्सा बाद कुछ फोन जो है लैग करने लग जाते हैं। और गेम प्ले की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 40 FPS के राउंड अबाउट गेम मिल रहा है। CPU 36% काम कर रहा है, GPU 22% काम कर रहा है। तो यहाँ आप देख सक रहे होंगे कि नीचे जितने भी जो हाउसेज हैं उनकी रेंडरिंग कैसी है। GPU Adreno 618 पहले भी हम चेक कर चुके हैं, Snapdragon 730 के साथ भी तो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो यहाँ 32 के साथ CPU की वर्किंग भी अच्छी है और यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा अब कि कैसा काम कर रहा है। तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी लैग नहीं मिल रहा, मैं 2-3 से इस पर गेमिंग खेल रहा हूँ और अभी भी कैमरा के सामने भी आपको कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। इवन नीचे आप देख सकेंगे कि रेंडरिंग जो है डिस्प्ले की काफ़ी बेहतर काम कर रही है। फिर कहूँगा कैमरा चल रहा आपके सामने वीडियो चल रही है, आप खुद भी जज कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कोई कंपटीटिव प्लेयर हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम आगे उतरेंगे, अभी तक तो कोई लैग नहीं है और कोई स्टटर नहीं मिल रहा। ऑल्दो आजकल जो सर्वर्स का इशू चल रहा है वो उसकी वजह से कोई लैग हो तो ठीक जी। अब यहाँ हम देखेंगे आपको ग्रास के कलर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा और डायनामिक रेंज का डिस्प्ले एक्चुअली में डिस्प्ले की जो रेंज है ना उसका आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ कलर्स और कोई भी लैग और फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और गेम प्ले को चेक करते हैं कितने FPS का, तो यहाँ भी रेगुलर वही 40 FPS वाला 45 FPS आपको गेम प्ले मिल रहा है। तो मैं इसको बका लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरी कर रहा है, 40 FPS ऊपर गेम प्ले है। और अगर आप GFX टूल वगैरह करते हो तब आपको 50 FPS और 60 FPS का इजीली गेम प्ले मिल जाता है। अरे भी बंदा आ रहा है इधर, बंदा आ रहा है। ओके जी दोस्तों, यहाँ जायरो मैं ऑन कर चुका हूँ और हम लेविक मैप खेलेंगे। और इस टाइम हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया खेलते हुए और गेम जो है रेगुलर 40 FPS का मिल रहा है हमें। हम बैटरी को चेक करते हैं और बैटरी जो है जब हमने शुरू किया था 87% थी, अब 78% हो चुकी है। रूम टेम्परेचर स्टिल 25-26 है। फ्रंट साइड पर टेम्परेचर ज़रूर गेन किया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग की जो उंगलियाँ वो घूम रही होती हैं और यहाँ भी कुछ यही टेम्परेचर 40 के राउंड अबाउट है। लेकिन अगर बैक टेम्परेचर की बात करें तो भाई जो टेम्परेचर है वो 41 पे पहुंच चुका है और यहाँ भी 40 के राउंड अबाउट है। लेकिन देखते हैं कि लिक्विड कूलिंग कितना काम करता है क्योंकि इंटेंस गेम हो रही थी पिछली वाली, आपने देखा होगा, लेकिन हम बच गए मर गए। और यहाँ लिविक के कलर्स का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिविक के कलर कैसे आ रहे हैं। और ये लिविक वाला मैच भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही आपको दिखा सकूँगा। हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पावर प्लांट, हॉट ड्रॉप करेंगे और हॉट ड्रॉप पर भी देखते हैं कि FPS क्या मिलते हैं। तो हॉट ड्रॉप करने जा रहे हैं तो यहाँ भी 40 FPS के राउंड अबाउट है। वेरी ज़रूर कर रहा है FPS, ये का ज़रूर याद रखिएगा। तब थोड़ी सी पिंग और FPS, ये ग्लिच, ये है पबजी के ग्लिच, सस्ते नशे इसको कहते हैं, सस्ते नशे। बंदे उतने साथ गाड़ी आई हमारी तरफ गाड़ी आई। गाड़ी किधर है पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के पीछे बंदा पीछे अपना पीछे पूरा कर दिया है। ऐसे ही अच्छा बंदे बैठे थे दोनों, घुस जाओ ये चीज। ये तो वही था जिसका जवाब नहीं फोन किया था।
मेरी तो गाड़ी उठाओ। कमर आ जा यार, कमर आ। Marked a location. देखे? Finally दोस्तों, हमने कुछ 50 मिनट गेम की और या और देखते हैं कि भाई हमारे पास टेम्परेचर कितना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी आपने देख लिया होगा, FPS काउंटर को भी आपने देख लिया होगा, और चलते हैं हम टेम्परेचर की तरफ और बैटरी की तरफ। और ये PUBG का गेम प्ले था, अब आपने डिसाइड कर लिया होगा। हमने कोशिश तो की कि हम हॉट ड्रॉप करें, बट हॉट ड्रॉप वाले बंदे नहीं मिले हमें। तो हम क्या करते हैं कि फाइनली यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने किस टेम्परेचर को गेन किया है। तो रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 ही है स्टिल मेरे पास, और यहाँ जो टेम्परेचर है ना भाई, वो 42 का गेन किया है। जो ग्राफिक्स हैं वो अल्ट्रा पर थे और बॉटम की साइड पर कम है। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह यही है कि भाई मेरी जो फिंगर्स हैं ना, वो स्क्रोल डाउन कर रही थी बार बार, तो काफ़ी वो इंटेंस कर रही थी। और बैक साइड का जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका है, 39 डिग्री सेल्सियस है, और कहीं कहीं तो कम भी हो रहा है भाई। यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस है और ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं आप, और बॉटम में आपको 38 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल रहा है। इट्स मीन ये फ़ोन जो है ना, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। हैंडफ्री आउटपुट की बात करूं, बस एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ है कि जो फुटस्टेप्स है ना, वो क्लियर उतने क्लियर नहीं आते जितने क्रिस्प होने चाहिए, लेकिन ये भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो है अपडेट के थ्रू, वो कर दिया जाएगा। तकरीबन 50 मिनट का हमने जो है पबजी गेम प्ले किया, ग्राफिक्स सारे आपके सामने हैं। और बैटरी को हम चेक करते हैं, पहले मैं पबजी जो है वो रैम में से रिमूव कर लूँ। अब यहाँ जो बैटरी, जब हमने गेम स्टार्ट किया था तब तकरीबन हमारे पास 87% बैटरी थी, अब 72% बैटरी है। इट्स मीन के एक घंटा गेमिंग तकरीबन करने के बाद आपको कुछ 15% की बैटरी डाउन मिल रही है, तो ये एक अच्छा बोलूँगा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-8 गेमिंग घंटे अगर गेमिंग करते हैं तो आपको बैटरी बैकअप क्या मिलता है। हम कॉल ऑफ ड्यूटी को भी थोड़ा सा खेल के देखते हैं कि भाई कैसे गेम प्ले मिलता है और क्या ग्राफिक्स मिलते हैं। तो ग्राफिक्स के बारे में अपने रिव्यू की वीडियो में पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टोटली आप चेक कर सकते हैं। कैमरा रेजोल्यूशन भी फोन के और डिस्प्ले के और मेरे क्या ओपिनियन है। तो यहाँ तकरीबन हम जो गेम ऑन होने का टाइम है कॉल ऑफ ड्यूटी का, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 35 से 36 सेकंड लिया है हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी ने ऑन होने में। और ग्राफिक्स सबसे पहले देखें कि हमें क्या मिलते हैं, तो मैंने ये अपने रिव्यू की वीडियो में बताया था, और वहाँ भी हमारा हमने इसके लॉन्च इवेंट भी बताया था कि भाई मैक्सिमम आपको यहाँ पर फ्रेम रेट मिलता है विद हाई ग्राफिक्स के साथ, और वेरी हाई के साथ आप वेरी हाई ग्राफिक्स पर भी खेल सकते हो। तो हम मैक्सिमम वेरी हाई और वेरी हाई को ही रख लेते हैं, और एक हम मल्टीप्लेयर वाला गेम खेलते हैं, देखते हैं कि गेम प्ले कैसा है। 60 FPS का गेम प्ले मिलेगा, तो गेम जब ऑन होती है उसको देखते हैं कि अभी 60 FPS का मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ जो FPS हैं वो काउंट आप कर सकते हैं कि वेरी हो रहे हैं, जब गेम स्टार्ट होगी तब देखेंगे, लेकिन GPU की परफॉर्मेंस और CPU की परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ गेम के ग्राफिक्स की बात की जाए तो भाई पबजी से थोड़े से ग्राफिक्स यहाँ पर अच्छे ही आते हैं, ऑल्दो मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ भाई इसका, बिल्कुल भी नहीं हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी का, लेकिन फिर भी खेल के देखते हैं कि हमें कैसा गेम प्ले मिलता है। और यहाँ FPS काउंटर पर चेक करें तो 60 FPS का गेम प्ले जो है ना, 60-62 FPS का वेरी कर रहा है, 50 FPS से ऊपर ही कॉल ऑफ ड्यूटी का आपको गेम प्ले मिलता है, ये बात याद रखिएगा। ये 81 FPS पर भी आ गया भाई, ये क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है। तो हम चलते हैं, साउंड क्वालिटी जो है ना वो कॉल ऑफ ड्यूटी की पबजी से ज़्यादा बेहतर है। यार अच्छी गेम हो गई कॉल ऑफ ड्यूटी की, जब से हम डक्की के साथ आ रहे हैं ना मिलके। पीछे से वार करने वाला बंदा कभी मर्द नहीं होता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। तो यहां फाइनली फाइनल खेल करने के बाद भाई कॉल ऑफ ड्यूटी जो है ना वो पबजी से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स पे चल रही है, लेकिन पबजी काफ़ी इंटेंस गेम है और आप लोग जानते हैं कि पबजी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्राफिक्स का इशू आता है हमें, लेकिन इस फोन में काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहा। तो ये फाइनल किल था जो हमारे साथी ने किया। अब कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए आपको बड़ा नॉर्मल गेम प्ले मिलता है, और यहाँ तकरीबन हमने एक घंटा गेम प्ले किया तो 17% की बैटरी डाउन हुई है। टेम्परेचर नॉर्मल होता जा रहा है, और फ्रंट साइड पर वहीं जहाँ मेरी फिंगर्स होती हैं वहाँ पर 42 है भाई, लेकिन बॉटम की साइड पर आप देखेंगे तो आपको 37 का देखने को मिल रहा है। रियर साइड पर हमें पहले 40 डिग्री तक जाता हुआ मिल रहा था, अब टेम्परेचर जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला जो है 1.0 प्लस जो है वो 38 डिग्री तक ले आया, और कैमरा बम्प पे हमें
39.9 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है और बॉटम की साइड पर 38 का है। इट्स मीन कि फ़ोन जो है वो कूलिंग का साथ साथ ठंडा भी होता रहता है और हमने बगैर कवर के खेला। आप यहाँ पर आपको जब ग्रिप करते हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कि आपके हाथ का भी लग जाता है, फ़ौरन से नॉर्मली हो जाता है। आप इतनी बातें करते करते मुझे यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो नीचे होता आता हुआ मिल रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस आ गया और यहाँ 38 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अगर आप चेक कर पाएँ तो यहाँ 39-38 चल रहा है। इट्स मीन के जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो काम प्रॉपर कर रही है, बैटरी ज़रा अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया गया है प्रोसेसर को, वहीं हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल रही है। अब उम्मीद करता हूँ आज का गेमिंग रिव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हैंडसफ्री के आउटपुट की बात करूँ तो भाई सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा पबजी में प्रॉब्लम हुआ और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फुटस्टेप कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर आप विदाउट हैंडसफ्री खेलते हो तो यहाँ पर भी आपको बैक पर ज़रा हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है कि आपके फुटस्टेप जो हैं वो फील होते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि एनिमी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगी। आपको कैसा लगा ये गेमिंग कंपैरिजन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही होगा और आप वीडियो को पसंद भी करेंगे। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग पोको X3 लेने में इंटरेस्टेड हैं। आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग किसी नए रिव्यू किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।